एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:18 हो गए पूरे के पूरे, अभी मैंने टाइम देखा और अभी कोई आने वाला है और जिसका वेट हम बहुत टाइम से कर रहे थे। तो अभी बाहर रात हो गई है और अब उसको लेने गया है, तो देखते कहाँ पहुँचू, भी पहुँचे होंगे और मैं वहाँ जाके देखती हूँ। उतनी भी रात नहीं है, थोड़ी बहुत हुई। A few moments later. तो finally हम जिसका वेट कर रहे थे वो आखिरकार पहुंच गए दरवाजे के पास। वेलकम, टन टन, स्वागत करना। तो हम तब्बू का वेट कर रहे थे क्योंकि तब्बू बहुत दिनों से घर में थी, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही थी क्योंकि सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था। दोस्तों मुझे पाती भी मुझे तो फाइनली तब वो आ गए, तो मेरे को ऐसा था कि चलो थोड़ा मतलब ये आधा मैं सब्जी बना लेती तो ये चपाती बना लेती, तो मेरे को हल्का हो जाता है बहुत ज्यादा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो मैं इसको बहुत ज्यादा मिस करी थी, मुझे इसकी बहुत याद भी आ रही थी। प्लीज मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं आ रही। तो तुम दिन कितने दिन फोन कर रही होती? चल हाय बोल, सब्सक्राइब हाय बोला, पानी पिला हाय बोल बोले हाय। तो गाइज अभी इसकी खातिरदारी करते हैं क्योंकि अभी अभी आई है और कल वाली वीडियो से गाइज बैच बोलने लगी, तो अभी मैं इसको पानी वगैरह पिलाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आपने कितना काम किया घर में, बहुत अच्छी कितनी गाड़ी दिख रही। तो देखते हैं तब्बू क्या क्या लाइए हमारे घर से। चिज्जी और अभी हमारा खाने बनाने का कोई मिला नहीं, चुपचाप रहे। तो अभी देखते हैं हम लोग खाना क्या बनाएंगे आज, और देखते हैं तब्बू घर से क्या लाइए। तुम्हें क्या लस्सी की दूध? लस्सी, ये लस्सी, लस्सी तो पिछले कल के बची हुई है। और ये है खीरा, तो परहेज कर ले कैमरा ने। तो ये है घी और ये है एक और खीरा, और क्या है इसमें, और क्या है, और है नाशपती। और कुछ लाए आप? और लाए हैं जी आलू, ले लो आलू, आलू गोभी, आलू गोभी। और लाए सेब, सेब तो मैं भी लेके आई थी बहुत सारी, बट ये और लेके आई है। अब हमारा कोटा हो गया सेब का, इतनी सी है लाए, और नहीं कुछ लाए खाने के लिए क्या? मैं तो कुछ भी लिया, तो इतना ही लाया है इसने बस कुछ खाने के लिए। और मैंने दिन को लिया था बट मुझे बहुत गंदा लगा वो, फिर मैंने सोचा चल तुम लोग खा लेंगे रूम में। तुमको बुलाऊं या पाऊं तो क्या? अरे मैंने लिया था बिंगो, पर वो वाला बिंगो था ही नहीं जो मैं खाती हूँ, तो मुझे ये वाला बिंगो मिला और ये बहुत 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 गंदा है। दोस्तों आप लोग मत खाना इसे, बहुत गंदा है। मेरे को वो वाला अच्छा लगता है जो मैं हमेशा दिखाती हूँ व्लॉग में, वो वाला अच्छा लगता है, बट ये वाला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बहुत ही गंदा है, ऐसे क्रंची क्रंची सा है वो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाए ये मुझे बिल्कुल भी, इसकी तो स्मेल ही गंदी है, मैंने खाया ही। चलो मैं अब सारा जो ये सामान लेके आई ये सारा सेट करती हूँ और फिर देखते हैं हम खाने में क्या बनाएंगे आज, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलो तब उसे पूछते हैं कि इसको मेरी फनी वीडियो कैसी लगी, मतलब फनी क्या था वो, सोशल मीडिया वाली बहू उसकी राइटर भी मैं थी और एक्टर भी मैं थी और और कुछ नहीं होता, मुझे इतना ही पता है। तो तब्बू तो अब हम लोग देखते हैं, हाँ सब कुछ मैं ही थी दोस्तों, मैंने अपना दिमाग चलाया था कि कुछ ऐसा सब था, क्योंकि मैं सोच मतलब मैंने वो सोच के नहीं चलाया, मुझे लगा शायद हो सकता है दिमाग में ऐसी थिंकिंग बज रही थी मेरी। तो अभी हम लोग सामान अंदर रख लेते हैं और सुनते हैं आपको अब बाद में। 2000 years later. Hi everyone, good morning. तो अभी हो गया नेक्स्ट डे और मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट। अब देखते हैं कोई यहाँ से बस मिलती है कि नहीं मिलती है, तो मिलते हैं आपको फ्री टाइम है, तब तक के लिए बाय बाय।
अभी टाइम हो गया है 1:26 और अभी जा रही हूँ मैं बाज़ार तक। अभी मेरा लंच हुआ तो मैं सोचा कुछ खा लेती हूँ, तो अभी मैं बाज़ार जा रही हूँ। और इतनी तेज़ धूप है यहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा। सतलुज में कितना गंदा पानी और कितना कम पानी लग रहा है आजकल। अभी बाज़ार में थोड़ा बहुत साग घूमने के बाद मैं चल पड़ी हूँ वापस। और अभी मैं मंदिर गई थी, अभी को प्रसाद मिला था केला जो कि मैंने खा लिया। तो अभी चलते हैं वापस। और अभी पुल पे इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छी, तो मिलते हैं आपसे बाद में। पुल पे चलते चलते ऐसा लग रहा है कि बस यहीं रुकना था, क्योंकि यहाँ पर ही हवा लग रही है बाकी। टाइम हो गया है 5 बजने वाले और मैं अंदर बैठ के, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लाइट भी चली गई थी अभी भी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। और यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है नीचे, मतलब सतलुज जितनी अच्छी दिख रही है यहाँ से। और साथ में इस वीडियो का मैं यहीं करी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।